भैंस पालन में पांच बातें सबसे खास बात जो एक तरह से प्रॉफिटेबल हो, तो वो पांच बातें कौन सी हैं? कि सबसे पहले आपकी भैंस जो है एक अच्छी नस्ल की हो, क्योंकि अच्छी नस्ल की होगी तो अच्छा दूध भी देगी, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरा ये है कि चारा, उसको चारा भी जो है, जब अच्छी नस्ल की भैंस तो ले ली, चारा उसको मिला नहीं तब भी बेकार, तो उसकी चराई भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जहां पे आपने भैंस को रखा हुआ है उसको भी एक आरामदायक जगह हो, उसको ऐसा महसूस हो कि भाई मौज आ रही है, बस वो जुगाली करती रहे और खाती रहे और अपना दूध बनाती रहे, तो वो जहां पे भी आप भैंस को रखो या गाय को रखो, किसी भी पशु को रखो, वो आरामदायक जगह उसको होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि हर साल भैंस बच्चा, यदि भैंस या गाय हर साल बच्चा नहीं दे रही तो आपको वो एक नुकसान का सौदा। और पांचवी बात यह है, क्योंकि भैंस है या पशु है कोई भी जिंदा है तो बीमार भी जरूर होगा, बीमार जरूर होगा तो आपको वो इलाज भी करवाना पड़ेगा, कुछ को तुरंत इलाज करवाना पड़ेगा, कुछ रोगों के लिए आपको बचाव करने पड़ेगा, तो आप जो है भैंस को जो है रोगों से बचा के भी रखें। और लास्ट बात, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, हिसाब जरूर लगाएं कि भाई जो हम भैंस पाल रहे हैं उसका जो है कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं। तो ये पांच बातें जो है खास खास है, इनमें जो है सबसे पहले क्या है कि भैंस जो है आपकी अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, मुर्रा नस्ल की भैंस है और बाल्टी देखने से ऐसा लग रहा है कि दूध भी जो है ठीक ठाक दे रही है, मुड़े हुए सींग है, मुर्रा नस्ल की है, अच्छी भैंस मुर्रा नस्ल की है, ठीक लग रही है, तो इनकी कीमत भी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी मुर्रा नस्ल की है, ठीक ठाक है, आपको अब मुर्रा नस्ल के बारे में एक आइडिया जो है हो गया होगा कि किस तरह से एक हमारी भैंस जो है मुर्रा नस्ल की होनी चाहिए। उसकी लेप टी भी बढ़िया होनी चाहिए, चारों थन यदि बिल्कुल बराबर से हैं और अच्छा दूध है, लेप टी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छा है। थन आपको ठीक लग रहे हैं इसके? ठीक ठाक है कि अच्छा जो है, अच्छा दूध देने वाली भैंस है। ये भी जो है मुर्रा नस्ल की भैंस है, ये भी मुर्रा नस्ल की भैंस है, सींग जो है ठीक ठाक है, लग रही है आपको कि भैंस ठीक है, ये भी जो है मुर्रा नस्ल की है, झूठा भी उसी हिसाब से आपका ठीक ठाक जो है वो होना चाहिए। मुर्रा के अलावा नीडी रावी नस्ल, पंच कल्याणी इसको बोलते हैं, सिर पे इसके पे एक स्टार होगा, चारों पैर थोड़े से ज्यादा सफेद होंगे, पूंछ थोड़ी सी ज्यादा सफेद होगी और थनों पे भी कहीं ना कहीं पे जो है एक सफेद रंग के जो है ये होंगे। ये भी दूध देने के मामले में मुर्रा से कम नहीं, बिल्कुल बराबर, लेकिन यदि आप इसको बेचने जाओगे तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको इसके रेट मुर्रा के बराबर ना मिले, लेकिन दूध की बात है तो इसमें भी मुर्रा के बराबर ही, ये भी जो है मुर्रा नस्ल की, छोटा भी जो है वो सॉरी नीली रावी नस्ल की है, और ये जो है नीली रावी नस्ल का जो है ये सांड हमारे इस एरिया के लिए मुर्रा जो नस्ल है वही सबसे बेस्ट मानते हैं, तो हमें मुर्रा नस्ल ही रखनी है जो इस एरिया के आसपास के लोग हैं, दूसरी नस्ल की भैंस ठीक नहीं। ये इसी एरिया की है, सींग जो है इसको जो है ये कहेंगे कि मुर्रा नस्ल के उसके कंपैरिजन वाले सींग नहीं, ये मुर्रा नस्ल की उसमें नहीं आते हैं जनरली, ये देखो खुले हुए ज्यादा सींग है, ये दूध देने में तो भैंस अच्छी है, सींग उतने जो है ज्यादा फिट नहीं, तो ये भी जो है इस भैंस का भी जो प्रोडक्शन है लगभग 18-19 लीटर है, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में ले जाओगे तब वहां पे ये बात नहीं बनेगी, लेकिन दूध के हिसाब से ये फिट है, लेकिन जब बेचोगे तो इसको शायद वो जो रेट मिलने चाहिए बेचने वाले वो आपको मिलेंगे नहीं, जो एकदम बिल्कुल बढ़िया सींग वाली भैंस को मिलेगी। ये भी दूध देने में कम नहीं है, ये भी किसी किसी के सींग ऐसे हो जाते हैं, है ये भी मुर्रा में ही, लेकिन सींग जो है बिल्कुल गड़बड़ा है, तो रेट इसको भी आपको जो है नहीं मिलेंगे, दूध अच्छा मिलेगा इससे, तो ये आपको ये देखना है कि आप तो दूध के लिए रख रहे हो या जो है कंपटीशन के लायक। बात ये है कि आपने अच्छी नस्ल तो रख ली, लेकिन भैंस की जो है चराई वो भी अच्छी होनी चाहिए, यदि चराई अच्छी नहीं है तो अच्छी नस्ल की रख भी लोगे तो उनका कोई फायदा नहीं, जैसे मैंने बताया कि जो चारा है वो अच्छा होना चाहिए। दाना कैसे बनाते हैं? पांच चीजों से बनाते हैं। पहला, उसमें अनाज होना चाहिए, अनाज में क्या, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, जई, कोई सा भी ले लो, जो सस्ता है उसे सबसे अच्छा है, बाजरा 10% से ज्यादा मत मिक्स करो इसमें, जो भी आपने अनाज लिया। दूसरा, चोकर लो,
चोकर भी लगभग 30% के आसपास, इससे थोड़ा सा दाने की कीमत कम हो जाती है। तीसरा है खली। खली कितनी होनी चाहिए? खली लगभग जो है 40%। जितने ज्यादा तरह के खल होंगे उतना ही ज्यादा बेस्ट है। उसमें जो है आपकी सरसों की भी खल है, उसमें कॉटन सीड केक है जो कपास की खल आती है, बिनोले की खल आती है, फिर उसमें मूंगफली की खल है, उसमें तरा की खल है, उसमें कई सारी खल आती है। उनको जितनी ज्यादा तरह की मिलाओगे और जो सस्ती हो उसको ज्यादा रखो। तीसरी जो है खल, 1% नमक और 2% उसमें खनिज लवण मिश्रण। ये इस तरह से 5 चीजों से मिलके दाना बनता है, अनाज, चोकर, खल, खनिज लवण मिश्रण और नमक। तो इस तरह से आप जो है अपना एक दाना तैयार कर सकते हैं, खनिज लवण मिश्रण और दाना जो है ये नमक डालना। आप यदि दाने को भिगो लोगे तो अच्छा होता क्या है कि यदि आपने दाना ऐसे ही खिला दिया तो कभी कभी आप उसके गोबर में देखोगे साबुत दाने में, तो यदि 10-12 घंटे ये भीगा हुआ रहेगा तो वो अच्छी तरह से पच जाता है पशु के पेट में जब आप सुबह को डालोगे। ये भी जो है लगभग हर पशु को जो है ये देना बहुत जरूरी होती है। आपको जो है ये ध्यान रखना है कि हमारी भैंस कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में एक प्रोडक्टिव उत्पादन की उसमें जो है हमेशा रहे, ऐसा नहीं कि आप उस भैंस को खाली चरा दो। फिर तीसरी बात क्या है कि भैंस को हमें आराम की जगह पे रखना है। आपने जो है अच्छी नस्ल की भैंस ले ली और उसको चारा भी अच्छा खिलाने, जब तक उसको आराम वाली जगह नहीं मिली तब तक कोई फायदे वाली बात नहीं। कैसे? आपको बस पहचानना है कि भाई मेरी भैंस ये चाह रही है कि कहां पे उसको वो अपने आप आराम जो है ढूंढ लेगी। अब उसी तरह से सोचो, यदि भैंस जो है, बहुत से लोग दीवार के पास में बांध देते हैं, दीवार के पास में छाया है वहां तक तो ठीक है, लेकिन दीवार का एक नुकसान और है, क्या है? वो हवा रोकती है, पीछे से जो गर्मी आ रही है वो फिर क्या होगी, वो तो दीवार तो सोखेगी और वो फिर वो जो दीवार उसको भैंस को कैसी लगेगी, गर्म लगेगी। तो उसकी मजबूरी है और छाया नहीं है तब तो वो वहीं पे क्या करेगी, वहां पे खड़ी रहेगी। लेकिन यदि उसको कहीं दूसरी जगह मिली पेड़ के नीचे तो वो कभी दीवार के पास दीवार की छाया में नहीं बैठेगी, कहां बैठेगी, वो पेड़ की छाया। इसी तरह से यदि इतनी ऊंची भी दीवार है वो, तो वो भैंस इस दीवार के पास नहीं बैठेगी कि जितनी ये हवा रोक रही है उससे दूर जाके वहां पे आपको बैठी। आपको पहचानना है कि भैंस कहां पे हमारी आराम है। ये भैंस जो है वो बताएगी नहीं वैसे बोल के, लेकिन अपनी एक्शन से आपको अपने आप सोचते हुए कि मुझे जो है इस भैंस को कहां पे ज्यादा आराम मिल रहा है वो आपको जो है देखना है। ये देखो आराम से बैठी हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जमीन कैसी है, फर्श भी बढ़िया होना चाहिए। ईंटों वाला भैंस कभी फर्श पसंद नहीं करती, वो हमारी मजबूरी होती है कि भाई हमें जो है ज्यादा गंदगी करती है, जहां पे बैठती है वहां पे क्या कर देती है, पूरा कीचड़ गड्ढा कर दिया। बरसात में देखा पास में निकल गए तो उसने जो है वो पूंछ उस टाइम पे जरूर मारेगी, लेकिन उसको सबसे अच्छी जो है कौन सी जगह पसंद है, जो कच्ची जगह, ये भी बड़ी अच्छी जगह है, झोपड़ी है, बीच में जो है हवा जो है हवा आती, ये बढ़िया जगह है या नहीं है? ऊपर जो है पेड़ भी है, नीचे कच्ची जगह है। आपको अपने पशु को आराम वाली जगह जो है प्रदान करनी है, तभी उससे आप ये कर सकते हो। नहीं क्या करेगी भैंस, आपने आराम की धूप में बांध दी तो वो ज्यादातर टाइम जो क्या करती रहेगी, हाँफती रहेगी। जो उसे जो उसने चारा खाया है उसको जुगाली करनी चाहिए, उसका दूध बनाना चाहिए, उस टाइम पे क्या कर रही है, हाँ, आप उससे उस भैंस से उत्पादन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपको अपनी भैंस को अच्छी जगह पे भी बांध के जो है आरामदायक जगह, ये भी एक नहाने का जो है पास में खड़ी हो गई है, तालाब हो सकता है नहाने के लिए, लोग अलग से तालाब भी बना लेते हैं, एक छोटा सा जो है क्या कर लिया घर के पास में ही तालाब बना लिया, इसका पानी ट्यूबवेल का पानी इसमें गिरेगा और यहाँ से फिर जो है खेत में चला जाएगा। भैंसों का जो है मजेदार बात होगी, लोग जो है आरामदायक जगह रखने के लिए जाली लगा कर मच्छरदानी, ताकि भैंसों को मच्छर ना खाए। चौथी बात क्या है कि भैंस हर साल बच्चा, यदि वो भैंस जो है हर साल बच्चा नहीं दिया तो क्या है, आप रोजाना 100-125 रुपए आप भैंस पे कैसे खर्च कर रहे हो, बेकार खर्च कर। तो और 2-2.5 साल के अंदर आपकी जो झोटी है वो नए दूध हो जानी चाहिए। यदि नए दूध नहीं हुई है
तो आप उसको एक बार जो है जरूर चेक करा लेकिन वजन जरूर हो जाना चाहिए 350 किलो के आसपास। नई दूध तभी होगी जब उसका वजन 350 किलो के आसपास पहुंच जाएगा। पांचवी बात क्या है कि भैंस को आप अपनी को जो रोग है उनसे बचा कर रखें। जून की दवाई पिलाएं, गलघोटू, खुरपका, मुंहपका यानी HSBQ FMD इनके जो टीके हैं ये आपको जो है जरूर लगवाने हैं।